वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स सिविक्स चैप्टर एट। एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर एट, रूरल लाइवलीहुड्स। ये हमारा सिविक्स का चैप्टर एट है। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द मेनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन अवर लिव्स। हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि बहुत सारी हमारे रहने के जो तरीके हैं उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, बहुत ही भिन्नताएं होती हैं। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड, और हमने इनको एक्सप्लोर भी किया है हमारे रहने के तरीकों में, रीजन्स में। अलग अलग रीजन्स में जाते हैं तो अलग अलग पीपल होते हैं, अलग अलग तरीके के वर्क होते हैं। उसी तरीके से रूरल लाइवलीहुड है। रूरल का होता है जो ग्रामीण लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जो रहने के तरीके होते हैं। अगर हम गांव में चले जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को क्या मिलता है? ट्रीज़ मिलते हैं, क्रॉप्स मिलते हैं, काइंड्स ऑफ प्लांट्स, बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। वी लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग, और उनके जो अर्न होती है, मनी अर्न करने के तरीके होते हैं, वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस, गाँव में रहकर वो मतलब उनकी अर्निंग करते हैं। फर्स्ट टू चैप्टर वी विल माइंड वेदर पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अवर अर्न और लिविंग। वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनकी क्या क्या सिचुएशन होती है लाइफ, वो भी। अब यहाँ पे इस पेंटिंग में आपको रूरल लाइवलीहुड से दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक तालाब है, ये पेड़ है ना, यहाँ पे जो खेत है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दिखाई गई है। नाउ पेज नंबर 68, कल्पट्टू विलेज। यहाँ पे कल्पट्टू विलेज के बारे में दिया गया है। कल्पट्टू इज अ विलेज, एक गांव है, डेस्ट क्लोज टू द सी कोस्ट। ये एक समुद्र, जो तमिलनाडु में समुद्र है तो वहाँ के सी कोस्ट के किनारे। पीपल हियर टू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ पे बहुत तरीके के वर्क करते हैं ये लोग। एज इन अदर विलेजेस हियर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पोट्स, ब्रिक्स, ब्लॉक कार्ट्स एक्सेट्रा। देर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ, और यही लोग इनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक स्मिथ, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वेवर्स, बार्बर, साइकिल रिपेयर मशीन एंड सो ऑन। देर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार। यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल। अब यहाँ पे देखो, एक खेत में चावल या धान की पैडी की जो होती है वो खेती की जा रही है यहाँ पे, और ये सारे फार्मर्स यहाँ पे हैं। नाउ यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स, बहुत तरीके की हमें स्मॉल शॉप्स मिलेगी गांव में, सच एज जैसे कि टी शॉप्स है, ग्रोसरी शॉप्स है, बार्बर शॉप्स है, क्लोथ शॉप है, अ टेलर एंड टू फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप। देर आर फोर टी शॉप्स विथ सेल टिफिन सच एज इडली। यहाँ पे टी शॉप जो है सेल क्या करती है, टिफिन सेल करती है, इडली होता है उसमें, डोसा एंड उपमा इन द मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक वडाई बोंडा एंड मैसूरपिक इन द इवनिंग। नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लिव्स अ ब्लैक स्मिथ, कॉर्नर पे ब्लैक स्मिथ फैमिली रहती है, हूज होम सर्व इज देयर वर्कशॉप। नेक्स्ट टू देयर होम अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप। टू फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाय वॉशिंग क्लॉथ, जो बाकी की फैमिली वो क्लोथ वॉश करके अपनी अर्निंग करती है। देर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बी टाउन टू वर्क, और कुछ जो है अपने आसपास के टाउन में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वे एंड लोरी ड्राइवर्स होते हैं। द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स, जो विलेज है वो लो हिल्स से सराउंडेड है। पेडी इज द मेन क्रॉप, पेडी जो है वो मेन क्रॉप है वहाँ की, ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न और लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, जो कृषि से या फिर एग्रीकल्चर से कमाती, मोस्ट ऑफ फैमिलीज जो उनकी अर्निंग होती है वो एग्रीकल्चर से ही होती है। देर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, जो कोकोनट होते हैं उनसे कोकोनट, शुगर कैन एंड प्लैंटेन आर ऑल्सो ग्रोन एंड देर आर मैंगो ऑर्चर्ड्स। लेट अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड्स इन कल्पट्टू एंड सी व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। ठीक है, अब बात करते हैं हम तुमसे। ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड, बहुत सारे वर्क जो है रामालिंगम्स के लैंड पे काम करते हैं। ही हैज 20 acres, उसके पास 20 acres लैंड है ऑफ पेडी फील्ड्स, उसमें उसकी फील्ड में जो है फिर पेडी होता है इन कल्पट्टू, कल्पट्टू में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पेडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग। मैं 8:30 से काम करता था, मॉर्निंग से स्टार्ट करता था, 4:30 शाम तक करता था। एंड कारुत्थमा रामलिंगम्स वाइफ सुपरवाइजर्स, और जो उनकी वाइफ थी रामलिंगम की, वो उनकी उनको सुपरवाइज करती थी। दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पेडी व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन ऑन विद रामलिंगम। व्हेन आई वाज यंग आई कुड डू दिस वर्क
विद नो डिफिकल्टी. जब मैं बड़ा हो गया तब मुझे इस काम में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फिट इन वाटर. जो मेरे फिट है वो बहुत लंबे टाइम के लिए वाटर में रहते हैं. वाटर वेरी पेन, इट्स अ वेरी पेनफुल. रामलिंगम पेज 40 रुपीज पर डे, और जो रामलिंगम उनको कितने पे करता है, 40 रुपीज करता है पर डे एक दिन के. दिस इज अ लिटिल लेस देन वॉट लेबर्स गेट इन माई होम विलेज, और ये मेरे लिए बहुत कम होते हैं. बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हीम टू कॉल मी वेर एवर देर इज वर्क. अनलाइक अदर ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम देयर अदर विलेजेस. माई हजबेंड रामन इज ऑल्सो अ लेबरर. वी डोंट ऑन माई लैंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर. ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म ऑफ फाइन. अब यहाँ पे आपको ये एक दिया गया है, इसमें देखो यहाँ पे दिया नवंबर स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं. जून में क्या होता है, प्रिपेयरिंग सैपलिंग्स होती है, फिर ट्रांसप्लांटिंग होती है, फिर वीडिंग होती है, एंड देन फिर लास्ट में क्या होती है, नवंबर के महीने में हार्वेस्टिंग. ठीक है. नाउ फाइंड्स वर्क आउटसाइडर. अपार्ट फ्रॉम वर्किंग लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम. आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स. आई गो विथ अदर वुमेन टू द नियर बी फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड. मैं फायरवुड कलेक्ट भी करने जाता हूँ, घर को साफ रखता हूँ एंड अपनी फैमिली का पूरे से ध्यान रखता हूँ. अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर. एक बोरवेल है, एक जो कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, वहाँ से मैं पानी लेके आता हूँ. हैच फेच मतलब खींच के लाता है ना, कुएं से या जो भी है. माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटेरियल सच एज ग्रोसरीज फ्रॉम द हाउस. जो उसके हस्बैंड है वो ग्रोसरीज में उसकी हेल्प करते हैं. आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आवर लिव्स. लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल ईल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन. लास्ट ईयर वो बीमार हो गई थी और अभी उसकी जो डॉटर है वो स्कूल भी जाती है. वी हैड टू सेल अवर काउ टू पे बैक द मनी. और जब वो बीमार हो गई तो उन्हें उनकी काउ जो है वो बेचनी पड़ी थी और उन्हें मनी भी बोरोड करनी पड़ी थी ट्रीटमेंट के लिए. पेज नंबर 70. अब आपने तुलसाई की स्टोरी तो ऑलरेडी पढ़ ली है. पुअर फैमिली है, रूरल एरियाज है, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड. बहुत सारा टाइम मतलब उनका चला जाता है और वाटर कलेक्ट करने में, फायरवुड लेके आने में, ग्रेजिंग करने में, कैटल करने में. इवन तो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़. इतना काम करने के बावजूद भी उनकी कोई अर्निंग नहीं होती है. हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड. द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न. नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स. यहाँ पे नियर मतलब ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जो 2/5 रूरल फैमिलीज है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स ही होते हैं उनमें. देर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. और कुछ के पास बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं. लाइक तुलसाई आर लैंडलेस. और जो तुलसाई है वो बिल्कुल ही लैंडलेस, उनके पास कोई लैंड नहीं है. नॉट बींग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल इन मेनी रूरल एरियाज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क. अब हम बात करते हैं शेखर. वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस. और ये क्या है, इनका जो पैडी कैरी करते हैं. माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग. और इनकी जो हार्वेस्टिंग है वो फिनिश हो गई, मतलब जो कटाई होती है ना पैडी की वो ख़त्म हो गई है. और ये क्या करेंगे, अब इसको कैरी करेंगे उनके घर में, है ना. यहाँ पे देखो हार्वेस्टिंग हो रही है. हार्वेस्टिंग अवर फील्ड वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 acres. कुछ ज़्यादा लैंड नहीं है, सिर्फ 2 acres है. वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आवर ओन. बिल्कुल ही मैनेज कर लेते हैं. एट टाइम्स एस्केपली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट. जब हार्वेस्टिंग हो रही है आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉलर फार्मर्स. में कुछ छोटे किसानों की मदद लेता हूँ. टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड. द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन. और जो ट्रेडर्स होते हैं वो एज अ लोन उन्हें क्या देते हैं, सीड्स और फर्टिलाइजर. टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सी सेल माई पैडी. और इसी के रूप में वो उनकी जो पैडी होती हो जाती है वो उसको सेल कर देते हैं एंड सम वॉट लोअर प्राइस. बहुत ही कम प्राइस में उनको मिलता है. टेकन लोज दैट दे विल सेल पैडी ओनली टू हिम. आई विल प्रोबेबली गेट 60 bags ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड. 60 bags बन जाते हैं उनके पैडी के. सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन. रेस्ट विल बी यूज. जो बच जाता है वो मेरे घर के लिए बच जाता है. बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months. सो आई नीड टू अर्न सम मनी. आई वर्क रामलिंगम्स राइस मिल. और वो रामलिंगम की राइस मिल में भी काम करते हैं. हियर आई हेल्प यू कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस. वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काउ हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क.
और उनके पास एक काऊ भी है जिससे जिस जिस जो दूध वो फिर वो भी उनको सेल करते हैं लोकल मिल्क कोऑपरेटिव दिस वे टू गेट लिटिल एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा उनकी अर्निंग हो जाती है एक्स्ट्रा मनी उन काऊ से हेल्प मिल जाती है ऑन बींग इन डेबिट. एज यू रीड अबाउट वेरी ऑफन फार्मर्स शेकर नीड टू बोरो मनी परचेस बेसिक थिंग्स लाइक, अब जो वो परचेस कर रहे हैं बोरो कर रहे हैं ना मनी किस लिए कर रहे हैं, बेसिक थिंग्स से कुछ जैसे कि सीड्स हैं फर्टिलाइजर हैं पेस्टिसाइड्स हैं है ना. ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी पेस्ट अटैक, जो पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो कीटाणु लग जाते हैं ना फसलों को वो तो अटैक कर देते क्रॉप पे जिससे उनकी क्रॉप्स को क्या होता है नुकसान होता है. द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रुइन इफ द मॉनसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, जो मॉनसून आता है उसमें कोई इनफ रेन नहीं मिल पाती उसकी वजह से भी फिर फार्मर्स को बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है, उनका जो लोन है वो पूरा नहीं हो पाता है, फैमिली को सर्वाइव करना पड़ता है मनी के लिए, सून द लोन बिकम सो लार्ज और लोन की जो कीमत है वो भी बढ़ती चली जाती है. दिस इज वेन वी कैन से आर कैच इन डेबिट इन रिसेंट ईयर्स दिस बिकम अ मेजर केस ऑफ डिस्ट्रेस अमंग, बहुत डिस्ट्रेस में होते हैं फार्मर्स इन सम एरियाज, दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड, और इसी के चलते बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं. रामालिंगम एंड करुत्तमा, इन एडिशन टू लैंड रामालिंगम्स फैमिली ऑन अ राइस मिल, उनकी खुद की एक राइस मिल है एंड शॉप सेलिंग सीड्स, जो सेलिंग करते हैं फिर वो सीड्स की पेस्टिसाइड्स की, फॉर द राइस मिल दे यूज सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक, दे बाय अ पेडी खरीदते हैं फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेजेस आसपास के विलेजेस से भी, द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स, फिर वो ट्रेडर्स को सोल्ड किए जाते हैं बेची जाती है नियर भी आसपास के टाउन्स में और फिर उनसे उसको इनको इनकम होती है. यहाँ पे टेरेस फार्मिंग के बारे में बताया गया है इन नागालैंड, तो ये टेरेस फार्मिंग वाला जो बॉक्स है ये आपको रीड करना है. एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, इन कल्पट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स लाइक तुलसाई, जो हमने अभी तुलसाई क्या था, तुलसाई कौन एग्रीकल्चरल लेबर्स है एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर और स्मॉल फार्मर्स है शेखर एंड फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम. अब देखो गांव में कुछ जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है जैसे कि रामालिंगम के पास 20 acres लैंड है तो वो कौन है, बड़ा किसान है वो, उसके पास तो बहुत मनी है ना, वो कमा सकता है और उसके पास फिर मिल भी है. अब और फिर छोटे फार्मर स्मॉल फार्मर्स कौन है, शेखर उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि वो कैसे अपनी अर्निंग मनी अर्निंग करता है, उसकी जो लैंड है उसके अलावा उसने काऊ रख रखी है, उसको जो दूध निकलता है वो उसको सेल करता है जिससे उसकी एक्स्ट्रा मनी अर्निंग हो जाती है. फिर है तुलसाई, तो वो तो लेबरर है, उसके पास तो लैंड भी नहीं है, वो बिल्कुल लैंडलेस है ना, और वो क्या एक मजदूर के रूप में रामालिंगम के खेत में काम करते हैं. एवरी 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरल फैमिलीज, ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क, और वो उनके वर्क पे ही डिपेंड रहते हैं, उनकी जो अर्निंग होती है मनी की वो इन्हीं पे डिपेंड होती है. इन दिस केस स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर देयर लैंड इज बेरली इनफ टू मीट देयर सीड्स. इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामालिंग, जो इंडिया के जो सिर्फ 20% ऐसे होते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं वो. दिस लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेजेस, अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, मेनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस सच एज शॉप्स मनी लैंडिंग ट्रेडिंग स्मॉल फैक्ट्रीज, इस तरीके से स्टार्ट भी कर देते हैं वो. वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कल्पट्टू, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट एनिमल हस्बेंड्री डेयरी प्रोड्यूस फिशिंग फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेज इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया बहुत फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, फॉरेस्ट भी बहुत हेल्प करता है इनको, ट्रेडर्स एज इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एडिशनल इनकम, सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ टेकिंग मिल्क टू द नियर बी टाउन. कोस्टल एरिया में क्या होगा, फिशिंग होगी, फिशिंग विलेज लेटर्स मोर अबाउट द लीव्स, फिशिंग करके वो लोग अपनी इनकम कर सकते हैं. विलेज क्लोज टू कल्पट्टू, जो विलेज है वो कल्पट्टू वो भी फिशिंग एरिया के पास में ही है, कोस्ट रीजन में आता है. नाउ अब हम बात करेंगे अरुणा एंड परिवेलन की. नॉट वेरी फार फ्रॉम कल्पट्टू इज द विलेज ऑफ पुडुपेट, जो पुडुपेट है वो विलेज है कल्पट्टू से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है. पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, और यहाँ के जो पीपल है उनकी जो लिविंग है वो फिशिंग से होती है. देयर हाउसेस आर क्लोज टू द सी एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटमरन्स एंड नेट्स लाइंग, नेट्स जो होते हैं ना
उससे वो फिशिंग को कलेक्ट करते हैं इन मॉर्निंग 7 o'clock, एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच, और बहुत सारी एक्टिविटी होती है बीच पे, मतलब जो समुद्र का किनारा होता है उसको बीच कहते हैं। दिस इज द टाइम वेन द कैटमरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश, फिर जो वुमेन और ये सब होते हैं फिर फिश को सेल करते हैं। माई हस्बैंड परिवेलन माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लो रिटर्न लेट टूडे, और वो लेट हो जाते हैं। आई वॉज वेरी वरीड, जब लेट हो जाते हैं मैं बहुत वरीज हो जाती हूँ। दे गो टू द सी टूगेदर इन अवर, दे सेट दे वर कैच इन अ स्टॉर्म, और स्टॉर्म मतलब जो तूफान आ जाते हैं, आंधी आ जाती है तब भी वो कैच करना पड़ता है उनको। आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फ्रॉम फॉर द फैमिली, और कुछ वो उनकी अपनी फैमिली के लिए भी बचा के रखते हैं। पेज नंबर 74, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं। यहाँ पे जो दिखाया गया है कि कुछ वुमेन जो होती है फिश सेल करती हैं, कैरी देम इन बास्केट, एक बास्केट में कैरी करके रखती है और आसपास के गाँव में बेचती है। देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन द टाउन। आई विल ओनली फिनिश दिस ओकेजन बाय नून, और दिन तक उनकी जो वो सारी फिश है वो बिक जाती है। इन द इवनिंग माई हस्बैंड एंड आवर रिलेटिव विल अनटेंगल एंड रिपेयर अवर नेट्स, फिर शाम को क्या करते हैं वो लोग वापस से अपनी नेट्स को रिपेयर करते हैं ताकि अगले दिन वो उनको फिश को कैच कर सके। अर्ली टुमारो मॉर्निंग अराउंड 2 AM दे विल सेट आउट टू सी अगेन, फिर अर्ली मॉर्निंग वो लोग क्या करते हैं सी के आसपास सेट हो जाते हैं। एवरी ईयर फॉर एट लिस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग दी मानसून, मानसून रहता है 4 months, दे कैन नॉट गो टू द सी, फिर उस टाइम पे वो सी के पास नहीं जा पाते हैं। बिकॉज दिस इज वेन द फिश ब्रीड, ड्यूरिंग दिस मंथ वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर्स, फिर वो इस टाइम पे वो कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे मनी बोरो लेते हैं एंड फोर्स टू सेल द फिश दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू अवर ऑक्यूजन। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं रूरल लाइवलीहुड, पीपल इन रूरल एरियाज आर एंड दे आर लिविंग इन वेरियस वेज, हमने बहुत सारे वेज देख ही लिए हैं कि किस तरीके से वो अपनी अपनी मनी अर्निंग करते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स विल अदर अर्न देयर लिविंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज, वर्किंग ऑन फार्म इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोविंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स वी डिपेंड ऑन नेचर, हम नेचर पे भी डिपेंड करती है हमारी जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो, अगर मान लो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्रॉप्स को नुकसान होता है। हिन्स लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन्स, और सारी ही फसलों के लिए एक सर्टेन सीजन्स होता है एंड पीपल आर बिजी ड्यूरिंग शोइंग एंड हार्वेस्टिंग, बहुत बिजी हो जाते हैं जब ये चल रहा होता है शोइंग एंड हार्वेस्टिंग, कटाई चल रही होती है। अदर टाइम्स रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, डिफरेंट अदर रीजन में जाएंगे तो अदर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स जो होते हैं ग्रो किए जाते हैं। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड, द दे कल्टिवेट मेनी डिपेंड ऑन दिस लैंड फॉर वर्क लेबरर्स, मोस्ट फार्मर ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ओन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट, सम हैव टू सेल ट्रेडर्स फ्रॉम होम दे हैव बोरोड मनी फॉर देयर सर्वाइवल, मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी वेन नो वर्क इज अवेलेबल, जब उनके पास कोई काम नहीं होता है तब उन्हें मनी बोरो लेनी होती। देर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच 3 large acres ऑफ लैंड, बहुत सारी उनके पास मनी लैंड होता है, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़ भी उनके पास होती है। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन इन विलेज डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। ओके, नाउ हियर योर चैप्टर एक्सप्लेनिंग, तो यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है। अभी हम वर्कशीट देखेंगे इस चैप्टर की। क्लासिक्स सिविक्स चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स, इसकी चैप्टर एक्सप्लेनिंग अभी देखी है हमने, अभी हम देखेंगे मीनिंग्स। हार्वेस्टिंग फसल काटने वाले या फिर फसल काटना, पुलिंग जोतना, वेविंग बुनाई, रूरल ग्रामीण, एग्रीकल्चर कृषि, ट्रेडिंग व्यापार, स्टॉर्म आंधी, पैडी धान, लैंडलेस जो होते हैं वो भूमिहीन, मतलब उनके पास कोई लैंड नहीं होता है, प्लॉट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रामालिंगम के पास कितनी एकर्स लैंड थी, 30 acres ऑफ लैंड, 20 acres ऑफ लैंड और 5 acres ऑफ लैंड, सो करेक्ट आंसर इज 20 acres ऑफ लैंड। विच वन इज नॉट अ फार्मिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है। पुलिंग तो है, जोतना, हार्वेस्टिंग, कटाई करना, वेडिंग, तो ये बास्केट मेकिंग जो है वो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक्टिविटी है जो फार्मर्स होते हैं फ्री टाइम में, वो जिस टाइम पे सीजन नहीं होती फार्मिंग की तो उस टाइम पे वो बास्केट मेकिंग करते हैं, बाकी ये तीनों तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। तुलसी कितना अर्न करती है, 60 rupees per day।
क्वेश्चन नंबर टू स्टेट वेदर दिस ट्रू आर फॉल्स. फर्स्ट, रामालिंगम इज अ बिग फार्मर हैविंग 20 एकर्स ऑफ लैंड. बिग फार्मर थे वो रामालिंगम, उनके पास 20 एकर्स लैंड था, दैट इज अ ट्रू. सेकेंड वन इज इन कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस. कोस्टल एरियाज में फिशिंग विलेजेस होते हैं, येस ट्रू. इन इंडिया 60% फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, नो फॉल्स. शेकर टेक्स हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग. शेकर जो थे वो अदर फार्मर्स की हेल्प लेते थे हार्वेस्टिंग में, येस ट्रू. क्वेश्चन नंबर थ्री, answer the following question. First question we have, what does Tulsai husband do when he finds no work on the farm? Tulsai husband जो थे जब उनके पास कोई work नहीं था तो क्या husband जो थे no work find कर रहे थे. In such situation he finds, क्या हुआ इस situation में, in such situation we finds work outside either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिर एक लोडिंग स्टार्ट किया सेंड करना, जैसे कि स्टोन हो गए है ना इस तरीके से. सेकंड क्वेश्चन वी हैव, यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड दैट पीपल इन कलपट्टू आर एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ नॉन फॉर्म वर्क. नॉन फॉर्म वर्क क्या हो सकते हैं कलपट्टू विलेज में, मेकिंग बास्केट, यूटेंसिल्स पोर्ट, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स, टीचिंग हो सकते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, वेविंग एंड रिपेयरिंग साइकिल. ये सारे क्या थे यहाँ पे, नॉन फॉर्म वर्क थे ना, जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं थे. थर्ड क्वेश्चन वी है, लिस्ट थ्री सिचुएशंस इन विच क्रॉप्स कैन बी रुइन. यहाँ पे हमें थ्री सिचुएशन बतानी है. द थ्री सिचुएशन इन विच क्रॉप्स कैन बी रुइन, इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर सीड्स गुड क्वालिटी के नहीं होंगे. इफ पेस्ट अटैक द क्रॉप, जब पेस्ट जो होंगे कीटाणु जो होंगे वो क्रॉप पे अटैक कर देंगे. इफ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन, मानसून से हमें इनफ रेन नहीं मिलेगी हमारी क्रॉप्स को, उस केस में क्या होगा, क्रॉप्स को नुकसान होगा. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डू फार्मर्स लाइक शेकर नीड टू बोरो मनी. दे नीड टू बोरो मनी टू परचेस बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. जो फार्मर्स थे शेकर, उन्होंने बोरो क्यों ली मनी, क्योंकि उन्हें क्या थी जरूरत थी, परचेस करनी थी कुछ बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए एंड पेस्टिसाइड्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कलपट्टू विलेज. कलपट्टू विलेज का मेन क्रॉप्स क्या था, द मेन क्रॉप्स ऑफ कलपट्टू विलेज इज पेडी, धान. हाउ इज रामालिंगम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स अकॉर्डिंग टू तुलसाई. जो रामालिंगम थे वो डिफरेंट क्यों थे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू तुलसाई. अनलाइक अदर्स रामालिंगम डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस व्हेन देयर इज वर्क ही कॉल्स तुलसाई. सो नाउ हियर योर चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स, यहाँ पे आपका फिनिश होता है. चैप्टर एक्सप्लेनिंग भी और वर्कशीट भी दोनों ही एक साथ हमारी खत्म हो जाती है. ये सब आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. थैंक यू.